हाय, आपका मटेरियल एडिटर चल रहा है और 3D स्टूडियो में 20 एंड 22 चल रहा है आपका। काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है और उसमें अगला मटेरियल क्या है मैं देख लेता हूँ। पहले मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ इस बटन से, और मटेरियल एडिटर में जाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर आते हैं मार्बल पर, मार्बल को मैं अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर, तो कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है ये। एक्चुअली सेफ फ्रेम भी होता है इसमें, शिफ्ट एफ अगर प्रेस करेंगे तो ये सेफ फ्रेम बताएगा, यानी कि ये इतना जितना लाइन दिखा रहा है ये इतने इतने पोर्शन को ही रेंडर करेगा, ये सेफ फ्रेम होता है। ये आपको करना ज़रूरी होता है, नहीं तो अगर ये शिफ्ट एफ में ऐसा कर दूंगा तो ये इसमें समझ में नहीं आएगा कि कितना हिस्सा ये रेंडर कर रहा है। तो ये सेफ फ्रेम होना ज़रूरी है, शिफ्ट एफ। और ये सारी जो बाउंड्री इसकी बनी हुई है ये रेंडर साइज़ की बनी हुई है। रेंडर सेटिंग में बता देता हूँ आपको, ये यहाँ पर जो साइज़ दी हुई है 1280 और 720, तो ये साइज यहाँ पर डली हुई है, तो इस कारण से ये वाली फ्रेम भी उसी साइज पर आ जाती है। शिफ्ट एफ इसका शॉर्टकट है। और मार्बल मैंने इसको दिया हुआ है, इसको स्वैप कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। और मैप दे सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, सिंपल है पहले की तरह, नॉर्मल ले सकते हैं, या फिर इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो पूरा एक ही कलर में हो जाएगा। ये हल्का सा इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, तो ये कलर चेंज हो गया है। और अगर इमेज मुझे डालना है तो मैं जैसे कि इस वाले कलर में इमेज डालना चाहता हूँ, बिटमैप पे जाऊँगा और ये वाली इमेज डाल लेता हूँ, तो इसके ऊपर इमेज अप्लाई हो गई है। मैं रेंडर करके देखता हूँ, ये देखिए इमेज अप्लाई हो गई है और मार्बल का इफेक्ट यहाँ पर आ गया है। मार्बल एक्चुअली फ्लोर के लिए होता है, टाइल्स के लिए होता है, और इससे आप कुछ और भी बना सकते हैं, बैकग्राउंड बना सकते हैं अच्छा खासा, और बेस बना सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का या कोई भी है, और स्टेयर्स बना सकते हैं, जो भी है आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। और ये स्वैप है, और स्वैप करने के बाद इमेज देखते हैं तो इमेज स्वैप हो जाती है, और केवल इस कलर में ही स्वैप इमेज दिखाई दे रही है। तो ये है मार्बल। और अगर मैं ये देखता हूँ और इस इमेज को मुझे सेव करना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा सेव इमेज पर, और सेव इमेज करके यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर दूँगा मैं, JPG, PNG, टारगा टिफ वगैरह जो भी है, यहाँ से इसको फाइल को मैं सेव कर सकता हूँ। और सेव यहाँ पर रीनेम इसका नाम देना पड़ेगा फाइल का, और सेव करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी JPG में या टिफ या टारगा में। तो ये था इसका फंडा। और इसमें बस इतना ही है, वैसे तो साइज भी देख लेते हैं, ये 100% मैंने साइज कर दी है, साइज में और कम कर देता हूँ, इतनी कर देता हूँ, तो ये ऐसा होता है। और विन विड्थ वगैरह ये सब चेक करता हूँ, तो ये विड्थ इसकी बिल्कुल चेंज हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, अंडू, उसके कारण वापस से ये पहले जैसा हो गया है। तो ये था मार्बल, और ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।